सो क्वेश्चन नंबर 9, बोनस। बोनस क्या होता है? एक्स्ट्रा पे होती है। तो क्यों मिलता है, कब मिलता है? टाइम सेव करने पे और ज्यादा काम करने पे, टारगेट्स अचीव करने पे, अच्छी परफॉर्मेंस पे ना। ठीक है, ओके। तो अभी क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो क्या लिखता है, क्या चाहिए करवा रहा हूं मैं सॉल्व। लायन लेन द्वारा वर्क फॉर अ कंपनी व्हिच रन्स द फॉलोइंग बोनस स्कीम। तो पहले क्या, बोनस ऑफ 10 फॉर एवरी कंप्लीट 1 मिलियन बाय व्हिच सेल एक्सीड 100 मिलियन इन एनी वन मंथ। क्या कह रहा है, ओवर इट उतर गया। 1 मिलियन हाँ, देखिए क्या लिखा है, बोनस ऑफ $10, $10 का बोनस मिलेगा कब, फॉर एवरी कंप्लीट 1 मिलियन, 1 मिलियन कंप्लीट होने पे, बाय विच सेल एक्सीड 100 मिलियन इन एनी वन मंथ। तो ये 100 मिलियन का तो टारगेट हो गया, ये तो हुआ टारगेट। 100 मिलियन सेल के बाद हर 1 मिलियन की सेल पर $10 का बोनस मिलेगा। अब इसको रिवर्स में पढ़े तो समझ आएगा, 100 मिलियन का टारगेट है, 100 मिलियन की सेल होने के बाद हर 1 मिलियन की सेल पर $10 मिलेंगे। 1 मिलियन पे $10, 2 मिलियन पे 23 मिलियन पे 34 मिलियन पे 40, इस तरह से। ठीक है, अच्छा यहां पर इसने एक्चुअल सेल दी है, सेल्स हैड बीन 102.7 मिलियन, बोनस कितना मिलेगा, बोनस कितना मिलेगा ये बताएंगे, टोटल बोनस क्या बनेगा। क्या हो गया, क्या हो गया जवानों, कितना सिर्फ बोनस बताने, 32 क्लास में है नहीं है, 100 मिलियन टारगेट क्या है, 100 मिलियन का तो टारगेट है ना। बोनस कब मिलता है, टारगेट अचीव करने के बाद मिलता है ना, टारगेट अचीव करने के बाद मिलता है। टारगेट कितना है, 100 मिलियन की तो सेल करनी है, उसके बाद हर 1 मिलियन की सेल करने पर $10 मिलेंगे आप बोनस। अब टोटल सेल कितनी हुई, इसमें से 100 तो माइनस कर दें, एक्सेस कितनी हो गई, 2.7। ठीक है, अच्छा 100 का तो टारगेट था, एक्स्ट्रा कितनी किया आपने, 2.7 मिलियन। ठीक है, अच्छा बोनस कितना मिलेगा आपको, नहीं 27 नहीं मिलेगा, बोनस मिलेगा सिर्फ $20, क्योंकि यहाँ अगर वर्डिंग पे गौर करें, वर्डिंग क्या लिखिए, फॉर एवरी कंप्लीट 1 मिलियन, कंप्लीट 1 मिलियन, 1 मिलियन कंप्लीट होने पर, तब 2.7 मिलियन में से 2 मिलियन कंप्लीट है, तीसरा मिलियन कंप्लीट नहीं हुआ ना, 0.7 पर है अभी वो, 2 मिलियन कंप्लीट हो गया, तीसरा मिलियन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 2 मिलियन पे बोनस मिलेगा, 0.7 पर कुछ नहीं मिलेगा। चाहिए, क्योंकि यहां बात हो रही है कंप्लीट 1 मिलियन, तो 2 मिलियन कंप्लीट हो गए आपके, तीसरा मिलियन कंप्लीट नहीं हुआ, तो 2 मिलियन पे 10 के रेट से आपको बोनस मिलेगा 20। तो पहली स्कीम हो गई, सेकंड पे आते हैं। अब बोनस ऑफ $5, $5 का बोनस है कब, फॉर एवरी 10 बॉक्सेस ऑफ कंपोनेंट्स प्रोड्यूस। ठीक है, जो 10 बॉक्स बनाएंगे $5 मिलेगा। टारगेट क्या है, टारगेट आगे दिया है, एनी वन वर्कर इन वीक इन एक्सेस ऑफ 1000 बॉक्स। अब ये टारगेट हो गया, 1000 बॉक्स का टारगेट, 1000 बॉक्स के बाद टारगेट अचीव होने के बाद 10 बॉक्स बनाने पर $5, यानी कि 10 पे 5, फिर 10 पे 5, फिर 10 पे 5, फिर 10।
ठीक है, $10 पे 5, 10 बॉक्स बनाएंगे $5, 20 बॉक्स बनाएंगे 10, 30 बॉक्स बनाएंगे 15, 40 बॉक्स बनाएंगे 20, तो 10 बॉक्स पे $5, 10 पे 5, फिर 10 पे 5, 10 पे 5, 10। अच्छा इन्होंने कितने बॉक्स बनाए देंगे, पहले ने बनाए 980, इससे कितना बोनस मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि टारगेट ही अचीव नहीं हुआ ना। 1000 बॉक्स पे टारगेट था, इसने बनाए 980 बॉक्स, टारगेट अचीव नहीं हुआ तो बोनस भी नहीं मिलेगा। सेकंड एम्प्लॉय ने बनाए 1030 बॉक्स, 30 एक्सेस हो गए, तब बोनस क्या था? 10 पे 5, 10 पे 5, 10 पे 5, 10 पे 5, 30 पे कितना हो जाएगा? $15। सेकंड एम्प्लॉय का बोनस बनेगा $15। ये तो हो गया स्कीम टू। स्कीम थ्री ये आसान है, बोनस ऑफ 10% ऑफ वीक्स पे, 10% ऑफ वीक्स पे फॉर एनी वीक इन विच द डिपार्टमेंट्स आउटपुट एक्सीड्स 10,000 बॉक्स। ये सिंपल हो गया, उस 10,000 से एक्सीड करते ही 10% बोनस मिल जाएगा। कितने एक्सीड करेंगे? एक यूनिट भी एक्स्ट्रा बन गया, बोनस कंफर्म आ, क्योंकि कोई लिमिट नहीं ना इसके अंदर। यहाँ बॉक्स कितने बने? 10,400 बॉक्स बन रहे हैं, तो बोनस मिलेगा। ये नहीं बताया था ना कितने एक्सीड करने चाहिए, बस सिर्फ 10,000 बॉक्स से एक्सीड कर गए, यानी कि एक बॉक्स भी एक्स्ट्रा बन गया आपका, 10,001 बॉक्सेस भी बना लिए तो बोनस कंफर्म हो जाए। ठीक है, ये बोनस दोनों को मिलेगा। अब तो ये पहले वाला जो बोनस है वो तो टीम वर्क होगा ना, ये टोटल सेल की बात हो रही है। सेकंड वाले में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, थर्ड वाले में टीम वर्क है, डिपार्टमेंट की बात हो रही है। तो कुछ बोनस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में मिलते हैं, कुछ बोनस टीम वर्क पे, ताकि आप मिलके भी काम करें और इंडिविजुअली भी मेहनत करें। ओके, अब इनका मैं ठीक है, अब ये इनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस दी है दोनों एम्प्लॉयज की, एक ने 980 बॉक्स बनाए, दूसरे ने 1030 बनाए। अच्छा, डिपार्टमेंट ने एज अ होल 10,400 बॉक्स प्रोड्यूस किए और सेल्स फॉर द मंथ है 102.7 मिलियन। अच्छा, ये दोनों एम्प्लॉयज की बेसिक पे दे दी उसने 120 और $130 है। बोनस कैलकुलेट कर, अब हमें से दोनों एम्प्लॉयज का बोनस कैलकुलेट करना है। सिर्फ बोनस निकालना है, बेसिक पे को ऐड नहीं करेंगे। सही, अच्छा एम्प्लॉयज वाइज कैलकुलेशन करते हैं, पहले कौन है लाइन। ठीक है जी, अच्छा ये है स्कीम वन, तीन स्कीम था ना। अच्छा फर्स्ट स्कीम में क्या था? 100, कितना बोनस होगा इसका? हाँ, तो 100 मिलियन का टारगेट था, एक्चुअल सेल हो रही है 102.7 मिलियन, तो 2 मिलियन पे बोनस मिलेगा, 0.7 पे कुछ नहीं मिलेगा। तो 2 मिलियन इनटू 10 हो जाएगा $20 बोनस। स्कीम टू, अच्छा स्कीम टू में क्या था? बोनस ऑफ $5 फॉर 10 बॉक्सेस इन एक्सेस ऑफ 1000 बॉक्स ना। अच्छा ये इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो लैन ने कितने यूनिट्स बनाए? 980 बॉक्स टारगेट था 1000 बॉक्स का, तो बोनस नहीं मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा नील हो जाएगा, इसका स्कीम टू का बोनस हो गया नील। स्कीम थ्री, स्कीम थ्री में क्या था? 10% ऑफ वीक्स पे और टारगेट था आपका 10,000 बॉक्स का, टोटल बॉक्स कितने बने? 10,400, टारगेट अचीव हो गया। अब बोनस कितना मिलेगा? 10% ऑफ वीक्स पे, तो लाइन की वीकली पे कितनी है? 120, तो 120 का 10% हेल्प आएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो इसका टोटल बोनस बन गया $32। तो ये लाइन का टोटल बोनस बन जाएगा $32। सेकेंड एम्प्लॉय का बोनस कैलकुलेट करते हैं, लेनोरा। अच्छा स्कीम वन का बोनस तो सेम ही रहेगा ना, वही 100 मिलियन का टारगेट है, 102.7 मिलियन, तो 2 मिलियन पे बोनस मिलेगा,
की मंथ का बोनस सेम रहेगा $20। स्कीम टू, इसने कितने बनाए थे 1030 बॉक्स, 10 बॉक्स पे $5 है, ठीक है, तो 30 बॉक्स पे 15 बन जाएगा ना। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10 कर देंगे, ये कितना आएगा 15, 10 पे $5, ठीक है, तो 5/10। और स्कीम थ्री का बोनस कितना है, 10% ऑफ वीक्स पे, लेनोरा की वीकली पे कितनी है 130 का 10%, 13, और तीनों ऐड कर लेते हैं 48 का टोटल बोनस आ गया, ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, अब इसमें कमीशन, सर ये कमीशन क्या होता है, कब मिलता है, क्यों मिलता है, किसे मिलता है कमीशन, ये भी मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड ही होता है, और नॉर्मली किसे मिलता है, सेल्समैन को दिया जाता है, कौन से एम्प्लॉय, सेल्समैन के लिए होता है ना कमीशन पे, राइट। तो पढ़ते हैं इसको, रीड कर लेते हैं, तो नॉर्मली सेल्समैन को मिलता है कमीशन। अच्छा क्या, हेयर इज अ सेल्समैन सेलिंग मशीनरी, अच्छा ही रिसीव्स अ कमीशन ऑफ 2% ऑन ऑल सेल्स, अच्छा विद एन एडिशनल 0.5% फॉर एनी आइटम ऑफ मशीनरी सेलिंग फॉर मोर देन 10,000, अच्छा इन एडिशन ही रिसीव फर्दर 0.5% ऑन सेल्स इन एक्सेस ऑफ 1 लाख पर मंथ, अच्छा फिर तीन कमीशन है इसके, पहले 2% है बेसिक कमीशन इसका, उसके बाद ये फिर एक्सपेंसिव आइटम्स हैं सेल करने पर है, और फिर ये परफॉर्मेंस पर है, ठीक है, 1 लाख से ऊपर है, अच्छा ये तो इसकी हो गई कमीशन पॉलिसी। अच्छा इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, ड्यूरिंग जुलाई टोटल सेल्स अमाउंटेड टू 1,10,000, इंक्लूडेड इन दिस वर टू एक्सपेंसिव मशीन्स, वन सेलिंग फॉर 12,000 एंड अदर फॉर 17,000, How much commission does Henry earns? अच्छा पहले क्या इसका बेसिक कमीशन कितना है 2% ऑन ऑल सेल्स, टोटल सेल्स कितनी है 1,10,000, तो 1,10,000 का 2%, ये तो बन गया 2,200, ऐसा कमीशन हो गया। बात करिए था कि 0.5% फॉर एनी आइटम ऑफ मशीनरी सेलिंग फॉर मोर देन 10,000, तो ये एक्सपेंसिव आइटम कमीशन है, क्योंकि एक्सपेंसिव आइटम बेचना सेल करना मुश्किल काम होता है। अच्छा इसे दो एक्सपेंसिव मशीन सेल की हैं, एक 12,000 की और दूसरी 17, तो 12,000 पे 0.5% का कमीशन मिलेगा 60, और 17,000 पर भी 0.5% का कमीशन मिलेगा 85. इसके बाद फिर था आगे, in addition he receives a further 0.5% on sales in excess of 1 lakh per month. Total sales थी इसकी 1,10,000, तो exceed कितनी कर रही है 10,000 exceed कर रही है ना, तो 10,000 पे 0.5% और मिलेगा 50 होता है। सब ऐड कर लेते हैं 2,395, इसका टोटल कमीशन आता है, टोटल कमीशन हुआ 2,395, ठीक है, कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 187 आंसर बताएं, ऑप्शन
आप लोग लास्ट आंसर, ये आंसर है पीस वर्क होगा ना, डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट ऑफ असेंबल गुड्स पीस वर्क. For the month of May, falling has been expected. बाकी बताएं. जी कौन क्या सोच रहे हैं, क्या बताया, बाकी बताएं. लास्ट में आप दोनों आंसर बताएं. आंसर आई सी सी. ये आंसर कैसा आ गया, तुमको ऐड कर लिया. आपने क्या किया आंसर, ये आंसर आएगा. अभी बताया था शुरू में टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज क्या था, ग्रॉस पे प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. ग्रॉस पे कितनी है 9,900, एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी 925, ऐड कर लें आंसर आ जाएगा. टू और फोर को ऐड कर लें. अभी स्टार्ट में बताया था टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होती है, ग्रॉस पे प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. टू और फोर को ऐड कर ले, टोटल चार्जेस आ जाएंगे. ओके पहले कौन है, जैम थे, जैम जैम जेली. यह जैम 48 आवर्स हैं, 40 आवर्स इसके वीक के आर्ली रेट दिया हुआ है. इसके बाद टाइम रेट, टाइम एंड हाफ फॉर वीक, डबल टाइम फॉर वीकेंड है. अच्छा पहले तो ऐसे ग्रॉस पे निकालनी है, तो पहले इसके बेसिक पे कैलकुलेट कर लेते हैं. 40 आवर्स है इंटू 6.20, लिखा 40 इंटू 6.2 क्या बन रहा है, 248 बेसिक पे हो गए. के बाद ओवरटाइम है इसका. अच्छा ओवरटाइम रेट क्या था, टाइम एंड हाफ फॉर वीकडेज एंड डबल टाइम फॉर वीकेंड्स. अच्छा नीचे का ड्यूरिंग अ वीक जैम्स एंड जैक बोथ वर्क्ड फॉर 48 आवर्स, थ्री ऑफ व्हिच वर एट वीकेंड. अच्छा बेसिक आवर्स 40 थे, टोटल आवर्स 48 है, तो 8 आवर्स का तो ओवरटाइम हुआ, जिसमें से 3 आवर्स वीकेंड के, बाकी 5 आवर्स वीकडेज के हो गए. यहाँ लिख लेते हैं 5 और 3. वीकडेज का रेट क्या था इसका, टाइम एंड हाफ 6.2 + 3.1 9.3 हो जाएगा. टाइम एंड हाफ इसका मल्टीप्लाई करें 46.9. टाइम एंड हाफ का मतलब क्या, बेसिक रेट क्या है, हाफ कितना हुआ 3.1, दोनों को ऐड कर ले 9.3 हो गया टाइम एंड हाफ. और वीकेंड, वीकेंड के लिए क्या था, डबल टाइम फॉर वीकेंड, तो 6.2 का डबल 12.4. मल्टीप्लाई करें 37. तीनों को ऐड कर लेते हैं तो 331.7 इसकी क्रॉस क्या जैम तो आ गया. अच्छा जी इसके बाद सेकंड एम्प्लॉय जैक,
देख इसका बेसिक आर्ट्स कितने हैं, 35, बेसिक रेट है 7.54 का, 35 इनटू 7.4 टोटल 259.59. अच्छा कितना ओवरटाइम इज पेड एट अ रेट ऑफ टाइम एंड हाफ फॉर फर्स्ट 6 आवर्स एंड डबल टाइम देयर आफ्टर. इसका टोटल ओवरटाइम कितना बनेगा देखें, 35 आवर्स है, 48 आवर्स टोटल है इसके, 13 आवर्स होगा टोटल, 13 आवर्स का ओवरटाइम है इसमें फर्स्ट 6 आवर्स. और ठीक है तो फर्स्ट 6 आवर्स हो गया तो 6 आवर्स का रेट अलग है तो बाकी बचे 7 ना. हाँ तो टाइम एंड हाफ हो गया फर्स्ट 6 आवर्स के, टाइम एंड हाफ और उसके बाद डबल हो जाएगा. तो 7.4 का टाइम एंड हाफ या 7.4 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टाइम एंड हाफ आ जाएगा कितना बन रहा है 7.1, तो ये 66.6 हो जाएगा. और उसके बाद डबल करें 7.4 का डबल 14.8 मल्टीप्लाई कर दें, 3.6 इनको ऐड कर लेते हैं 429.92 इसकी ग्रॉस. तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. ठीक है अच्छा देखिए टाइम एंड हाफ के लिए आप डायरेक्ट जो है ना बेसिक रेट को 1.5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं टाइम एंड हाफ. क्वेश्चन नंबर 192. अच्छा पर्सी एंड पीटर्स हैं तो दो एम्प्लॉयज दिए मैं आपको, दोनों का हमने ग्रॉस पे निकाल लिए. पहले कौन है पर्सी. अच्छा जी तो बोनस, अच्छा बोनस स्कीम है पहले इसकी बेसिक पे कितनी है पर्सी की 240, तो बेसिक पे लिख लेते हैं इसकी 240 के बाद इसका बोनस ऐड करें कैलकुलेट करते हैं. जो पहले स्कीम में क्या था बोनस ऑफ 5% ऑफ वीक्स पे फॉर ईच एम्प्लॉय फॉर एनी वीक इन विच द डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन इज मोर देन 10% अबव द टारगेट प्रोडक्शन फॉर द वीक. इसमें टारगेट ठीक है कितना देंगे, हाँ इन वन वीक डिपार्टमेंटल टारगेट वाज 40,000 यूनिट्स एंड 45 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड. टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना, ठीक है 40,000 का 10% 4,000 बनता है तो टारगेट था 44,000 का, एक्चुअल प्रोडक्शन ही 45,000, टारगेट अचीव हो गया. अब बोनस कितना मिलेगा 5% ऑफ वीक्स पे, इसकी वीकली पे है 240 का 5% बोनस ऑफ $1 पर एम्प्लॉय फॉर एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस बाय दैट एम्प्लॉय ओवर 800 पर वीक. तो पर्सी ने यूनिट्स बनाए थे, पर्सी प्रोड्यूस 780 यूनिट, टारगेट अचीव नहीं हुआ तो कोई बोनस नहीं मिलेगा. और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं ये हो जाएगा 252, ग्रॉस पे आ जाएगी 252. सेकंड है आप पीटर, सेकंड एम्प्लॉय है पीटर, पीटर की बेसिक पे कितनी है 260, बोनस ऐड करेंगे इसमें. अच्छा स्कीम वन मिलेगा इसको बोनस, इसकी मन का बोनस तो दोनों को मिलेगा ना 5% ऑफ वीक्स पे, तो इसकी वीक पे है 260 का 5% 13. अच्छा स्कीम टू में टारगेट था 800 बॉक्सेस का, इसने कितने बनाए 840 यूनिट्स बनाए, 40 एक्सीड कर रहे हैं तो बोनस कितना है $1 पर यूनिट है, 40 into 1 $40 का बोनस हो गया.
तीनों को ऐड कर लेते हैं, 3 1, फिर इसकी ग्रॉस क्या आ जाएगी, ग्रॉस भी हो गई 3 1,